they will study about English subject. और आज का हमारा लेसन है साक्षी's box. साक्षी नाम की लड़की है और उसके पास में एक बॉक्स है. So what happened with Sakshi we will see in this lesson. See page number 35. Sakshi found a big box. साक्षी को big box मिला उसने ढूंढा. She opened it. उसने ओपन किया. There was a fairy. उसको वहां पे कौन मिली? फेरी. फेरी मीन्स परी. जैसे कि परियों की कहानी रहती है, फेरी टेल्स, जिसमें परी रहती ना, वैसे ही परी उसको उस बॉक्स में मिली. एंड सम पेंस इन द बॉक्स. और उसको पेंस भी मिले, कलर्स भी मिले. जिससे आप पिक्चर को कलर करते हैं वैसे कलर उसको बॉक्स में मिले विद फेरी. हेलो साक्षी. फिर फेरी ने क्या बोला? हेलो साक्षी, शैल वी डू सम पेंटिंग? हेलो साक्षी, जब भी हमको किसी को मिलते हैं, कोई हमको मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? हेलो, नमस्ते करते हैं. वैसे ही साक्षी को और फेरी मिली. उसने बोला, हेलो साक्षी, शैल वी डू सम पेंट्स? सम पेंट्स करें, कुछ पेंट्स करें, पेंटिंग करें. पे आस्क द फेरी. फेरी ने पूछा कि शैल वी डू सम पेंटिंग्स? पेंटिंग्स करें. शी गेव साक्षी पेंट ब्रश. फिर जो फेरी थी उसने क्या किया? उसको पेंट ब्रश दिया जिससे कि वो कलर कर सके. फर्स्ट दे पेंटेड विद वायलेट. उन्होंने क्या किया? पेंटिंग किया. पहला कलर कौन सा यूज किया उन्होंने? वायलेट कलर एंड इंडिगो कलर. एंड इंडिगो कलर्स, टू कलर्स उन्होंने यूज किए. कौन से? वायलेट एंड इंडिगो. देन दे पेंटेड विद ब्लू एंड ग्रीन कलर. फिर उसके बाद में उसने उन्होंने क्या किया? और दो कलर यूज किए, ब्लू एंड ग्रीन कलर. एंड देन दे पेंटेड विद येलो, ऑरेंज एंड रेड. फिर उसके बाद में थ्री कलर्स यूज किए, येलो, ऑरेंज एंड रेड. थ्री कलर उन्होंने यूज किए. साक्षी से लुक एट अवर रेनबोज. फिर उन्होंने क्या किया? रेनबो बनाया. और क्या किया उसने? बोला कि देखो हमारा रेनबो कितना सुंदर है. लुक एट अवर रेनबो. हमारे रेनबो की तरफ देखो. विल योर पेरेंट्स लाइक योर रेनबोस? फिर फेरी ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स को रेनबो अच्छा लगेगा क्या? आज फेरी फेरी ने पूछा कि तुम्हारे जो मम्मी पापा है उनको रेनबो अच्छा लगेगा क्या? यस. फिर उसने क्या बोला? साक्षी से यस, माय पेरेंट्स विल लाइक अवर रेनबो पिक्चर्स एंड विल से. और उनको क्या लगेगा? कि हमारा पिक्चर बहुत सुंदर है, उसको बहुत पसंद आएगा. और वो क्या बोलेंगे? यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. तुमने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है. द फेरी स्माइल. फेरी ने स्माइल किया, अच्छे से स्माइल किया. एंड हग साक्षी. साक्षी को हग किया. जैसे कि मम्मी पापा हमको हग करते हैं, ऐसे मिट्टी में लेते हैं, मम्मी करती है हमको, वैसे ही उसने हग किया फेरी ने साक्षी को. साक्षी से गुड बाय टू द फेरी. फेरी ने और साक्षी ने तभी एक दूसरे को गुड बाय किया, बाय कर दिया. फिर इस जो पोयम में क्या है, स्टोरी में क्या हुआ है? एक्शन वर्ड आए हैं. कौन से कौन से आए हैं? फाउंड. फाउंड इज द पर्सन ऑफ फाइंड. फाउंड मींस मिलना, ढूंढना. ए फाइंड बी फाइंड मतलब ढूंढना. और फाउंड मींस मिल जाना. ओपन, ओ पी ई एन, ओपन, पी ए आर एन डी, पेंट मतलब कलर करना. डी ओ डू कुछ काम करना. आस आस मतलब पूछना. ए आस के ए एस के आस. जी ए बी ई गिव मतलब देना, दूसरे को देना. स्माइल स्माइल मतलब हंसना. एस एम ए आर एल स्माइल. स्माइल मतलब हंसना. हग हग मतलब एक दूसरे को साथ में रहना. मराठी में उसको बोलते मिठी मारने. Thank you.